केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री का भाई फंडा ये है कि हम लोग, बता देना जहाँ पे आवाज़ नहीं आएगी वहाँ पे आप लोग मुझे बता देना, बेसिक से लेके आज जितना मैं कवर कर पाऊंगा उतना मैं कवर करूँगा, बाकी देख लेंगे ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री का फंडा ये है भाई कि यहाँ पे आइसोमेरिज्म की बात होती है सबसे पहले, आइसोमेरिज्म की चर्चाएं होती हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या होता है कि भैया जहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेंज जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आइसोमर्स, जैसे एग्जांपल हम लोगों ने देखा था इसमें कि C2H5, C2H6O, यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड था CH3O CH3 और एक कंपाउंड था हमारे पास CH3CH2OH। दोनों ये अलग अलग हैं, एक ईथर है और एक आपका एल्कोहल है। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा अंतर है। ईथर का होता है 38 डिग्री सेल्सियस और एल्कोहल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है भाई ठीक है। तो ये होते हैं एक दूसरे के आइसोमर, मतलब ईथर और एल्कोहल को हम एक दूसरे के आइसोमर्स कह सकते हैं। तो आइसोमेरिज्म हमने जनरली देख लिया है। आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर में चेंज आता है ठीक है, और ये आपका, ये हमको कोई ध्यान तो देना नहीं है स्पेस, क्योंकि ये है हमारे पास है नहीं, मतलब अदरवाइज चेन होता है, पोजीशन होता है, मेटामर्स होता है, टॉटोमर होता है, अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होता है, पांच टाइप के होते हैं ठीक है। हमको हमारा जो इंटरेस्ट का पाथ है वो हमारे पास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब क्या है ये देखना भाई। स्टीरियो आइसोमर्स किसे कहते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं कि सर जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना, एक बार क्लियर करते रहना भाई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब सेम हो और दूसरा स्टीरियो बदल जाए, स्टीरियो चेंज हो जाए, तो ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स कराते हैं। जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पर मैंने एक कंपाउंड बनाया जिसमें ये CH3 था और ये भी CH3 था ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक साइक्लोहेक्सेन की रिंग बनाई, इसको तो मैंने अबव द प्लेन रहने दिया और दूसरे को मैंने वेज पे लाया, यानी बिलो द प्लेन ले आया ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे क्योंकि इसकी स्टीरियो में चेंज आ चुका है ठीक है। तो ये स्टीरियो आइसोमर्स इसे कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया बेसिक फंडा, स्टीरियो आइसोमर्स होते क्या है। किसी को भी रख दो, कोई कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, उनमें से एक होता है वेज टेस्ट, ऐसा थोड़ी डिसाइड होता है कौन सा रखेंगे। अब वो तो कंपाउंड को देख के पता चलता है ना, कई बार क्या होता है कि बल्किनेस अगर डाउन द ग्रुप, RS नोटेशन भी है क्या इसमें हमारे पास? नहीं है, इसमें नहीं है, RS नोटेशन अलग चीज, RS नोटेशन हमारे पास यहाँ पे नहीं, सिन एंटी करके। चलो 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 देखते हैं, देखते हैं। ओके ओके मैडम, नूतन 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 नूतन, तुमने मिस कर दिया एक चीज, इन शॉर्ट नहीं बोला तुमने यार, बुरा लग गया मुझे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म सब जानना है इसको, लड़कियों से रिलेटेड तो बस ग्रंथ लिख ले मेरा भाई। हमारी भी चिंता है तुझे, मैंने सोचा लड़कियों की भी चिंता है बस। देखो भाई देखो देखो भाई, एक होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, एक कॉन्फिगरेशनल होता है, एक कन्फर्मेशनल होता है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ठीक है। अब भैया कॉन्फिगरेशनल क्या होता है? कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल में पहले बेसिक डिफरेंस समझो। कॉन्फर्मेशन क्या होते हैं? कॉन्फर्मेशन में आपका कोई भी कंपाउंड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे जनरली बात करें तो बॉन्ड्स के रोटेशन होते हैं,
रोटेशन होते हैं। अब रोटेशन हो रहे होंगे तो इसमें क्या होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग। अब भाई क्या लिख दे रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि सपोज दैट मेरे पास यहाँ पे CH3 मॉलिक्यूल था, CH3 था कार्बन और यहाँ पे CH3 था। अब ये एक्चुअल में क्या है, ये आपके पास पता है आपको कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp3 की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल होता है तो यहाँ पे दो तो प्लेन में होते हैं और एक होता है, एक वेज पे होता है और एक बॉन्ड होता है आपका डैश में। तो होगा क्या, अगर मैं बात करूं तो ये कार्बन का अगर मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ वेज पे बना दिया है, एक हाइड्रोजन मैंने बना दिया है डैश पे और एक प्लेन में है, कार्बन के साथ बॉन्ड प्लेन में है, एक हाइड्रोजन वेज पे है, एक डैश पे है और एक नीचे है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सपोज दैट मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको H1 मान लेता हूँ, ठीक है, इसको H2 मान लेता हूँ, इसको H3 मान लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको स्टेबल कर लिया है, इसको रोक लिया है, स्टेबल कर लिया है, ठीक है, कन्फर्मेशन का बेसिक बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना, इसको रोक लिया है, पीछे वाले को मैंने पकड़ लिया है, आगे वाले को पकड़ के मैंने घुमा दिया है, 180 डिग्री मैंने घुमा दिया है। अगर मैं इसको 180 डिग्री घुमा लेता हूँ तो 180 डिग्री घुमाने से क्या होगा, 180 डिग्री घुमाने से मेरे पास कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ऐसा ही रहेगा, है ना, पीछे वाले का तो हाइड्रोजन जो सॉरी सॉरी पीछे वाले का मैंने दोनों ही बैच पे बना दिए, देखो ये एक डैश पे होगा, ठीक है, पीछे वाले का तो दोनों ही सेम रहेंगे क्योंकि पीछे वाला मैंने पकड़ा हुआ था कंपाउंड और आगे वाले का रोटेशन कर लिया था मैंने। तो होगा क्या कि अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, तो अगर रोटेट करूं मैं तो H3 क्या कर देगा, सपोज ये 120 डिग्री का रोटेशन कर रहा हूँ, 180 नहीं, अगर मैंने इसको 120 डिग्री का रोटेशन किया तो ये जो H3 था ना, H3 ये H3 पहुंच जाएगा H1 की पोजीशन पे, ये आ गया H1 की पोजीशन पे, यहाँ पे डैश पे कौन चला जाएगा, डैश पे चला जाएगा आपका H1 चला जाएगा, और नीचे कौन चला जाएगा, नीचे आपका H2 चला जाएगा। तो इस टाइप से आपका बॉन्ड को पकड़ के रोटेशंस होते हैं, ठीक है ना। तो कन्फर्मेशन में क्या होता है, कन्फर्मेशन में सिंगल बॉन्ड होता है बीचों बीच में, और सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशंस होते हैं, बॉन्ड घूमता रहता है, ठीक है, और ये खुद से होता रहता है, स्पॉन्टेनियस है, कोई नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। ये तो हमने समझ लिया कन्फर्मेशनल आइसोमर, ये हमारा इंपॉर्टेंट यही है हमारे पास, ये पूरा हमने पढ़ना है। कॉन्फर्मेशन क्या बताया मैंने, जहाँ पे सर बॉन्ड के रोटेशंस होते हैं और बॉन्ड ब्रेकिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, हमको किसी के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए यहाँ पर हमको बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसी को बोला जाता है कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब कॉन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कॉन्फिग्रेशनल बोलते हैं, देखो भाई मैं कॉन्फिग्रेशनल हमारे पास है नहीं, फिर भी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप डिफाइन करोगे ना बेसिक से, तो वहाँ पे आपको कॉन्फिग्रेशनल के साथ कन्फर्मेशनल बताना पड़ेगा या कन्फर्मेशनल के साथ कॉन्फिग्रेशन बताना पड़ेगा, भले डीप मत ना बताओ पर बेसिक तो आपको थोड़ा बहुत डिफाइन करना पड़ेगा। देखो कॉन्फिग्रेशनल क्या होता है, कॉन्फिग्रेशनल होता है कि भैया जहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग रिक्वायर्ड होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब रिक्वायर्ड कैसे होगी कि सर यहाँ पे अगर कार्बन कार्बन के बीच में मैं डबल बॉन्ड बना दूँ और यहाँ पे मैंने दो हाइड्रोजन लगा दिए और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, सपोज मैंने इसको H1, इसको H2, इसको H3, इसको H4 मान लिया, और अगर मेरे को इस स्ट्रक्चर में चेंज करना है कि मेरे को H1 को नीचे लाना है और H2 को मुझे ऊपर रखना है, एक को मैंने ऐसे रख लिया, H3 H4 को मैंने ऐसे रख लिया, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, अगर मुझे इस H1 को बदलकर इस पोजिशन पे और H2 को बदलकर मेरे को ऊपर वाली पोजीशन पे ले जाना होगा, तो डबल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन नहीं होते, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, रोटेशन आपके होते नहीं है, रोटेशन अगर होंगे नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग आपको करनी ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जनरेट होते हैं, यहाँ पे कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर कई टाइप के जनरेट होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी इसी के अंदर आता है, ऑप्टिकल के अंदर आप लोग क्या पढ़ते हैं, ऑप्टिकल के अंदर आपने इनेंशियोमर का नाम आपने ड्रग्स में देखा था, मगर यहाँ पर डिस्कस वाले हमने नहीं किया ज्यादा, मगर ऑप्टिकल आइसोमर भी होता है, डायस्टीरियोमर भी होता है ना। अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करूँ तो यहाँ पर आपके दो टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस,
तो यहाँ पर हम लोगों ने बस इतना बेसिक याद रखना है कि भैया यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग रिक्वायर्ड होती है। अगर आपको बदलना है स्ट्रक्चर को तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। तो हम लोगों को इतनी बात समझ में आ गई कि भैया सब, अब हम लोग मेन चीज पे आ रहे हैं जो हमारे पास सिलेबस का पार्ट है, और मैं सीधा बुक पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्फिगरेशन में क्या होता है कि बॉन्ड की ब्रेकिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है, यहाँ पे रोटेशंस होते हैं, ठीक है ना। अब मैं सीधा बुक पे आ रहा हूँ, तो बुक में सबसे पहले दिया गया है आपके पास डाईहेड्रल एंगल। डाईहेड्रल एंगल क्या होता है? डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं कि सर अगर आपके पास एक बेसिक कंपाउंड है, सपोज दैट यहाँ पर एक कार्बन ले लिया मैंने, दो कार्बन है ना। अब यहाँ पे इसका ए बी और सी के साथ बॉन्ड बना हुआ है, और इसका डी ई और एफ के साथ बॉन्ड बना हुआ है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो समझना, चीजों को समझना। डाईहेड्रल एंगल किसे बोलते हैं? किसी भी एक कंपाउंड को जब जिसको आप रेफरेंस मान के चल रहे हो। यार इसको छोड़ो, मैं आपको एक सीधा डायरेक्ट कंपाउंड पे ले जाता हूँ, ठीक है ना। जैसे 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 आपको कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पर आपने हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और आपने यहाँ पे ले लिया एक एक कोई ग्रुप एक्स मान लिया मैंने, क्योंकि एक ही होगा वो, ठीक है ना। और यहाँ पे मान लिया मैंने, यहाँ पे हाइड्रोजन ही मान लिया। तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ? आगे वाले को बोला जाता है फ्रंट कार्बन, आगे वाले वो को बोला जाता है फ्रंट कार्बन, और पीछे वाले को बोला जाता है रेयर कार्बन, इसको रेयर कार्बन बोलते हैं। और स्टेगर्ड फॉर्म में इसी को बैक कार्बन बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस नाम अलग अलग है, आगे वाले को फ्रंट कार्बन। अब इसको कैसे लिखा जाता है? ये न्यूमान प्रोजेक्शन है ना, न्यूमान प्रोजेक्शन। ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इन्होंने देखा था इसको, रोटेशंस को इन्होंने ऑब्जर्व किया था। और कॉन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर में दो ही टाइप के बनते हैं, मतलब अगर कॉन्फिग्रेशनल की मैं बात करूं, सॉरी सॉरी यार, ये कॉन्फिग्रेशनल लिख दिया मैंने, कन्फर्मेशनल नहीं, ठीक है, ऊपर कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर, पीछे वाला सही डिफाइन किया था, कॉन्फिग्रेशन, हाँ ठीक है, कॉन्फिग्रेशनल बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्ड होती है, और हमारा जो इंटरेस्ट का पार्ट है वो कन्फर्मेशन। तो देखो भाई, कन्फर्मेशन में क्या होता है? रोटेशंस होते हैं, और रोटेशंस कुछ साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किए होंगे। तो जिन जिन साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किए थे उन्होंने अपने अपने नाम पे रख दिए थे, है ना। तो एक होता है हमारे पास न्यूमान, एक होता है हमारे पास न्यूमान प्रोजेक्शन, और एक होता है हमारे पास सौ हॉर्स प्रोजेक्शन। दोनों कुछ नहीं है, सेम बातें हैं, सेम बातें हैं, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। अगर आप समझोगे, दोनों में डिफरेंस एक बात का भी नहीं है, बस सिर्फ सिर्फ इतना है कि एंगल दोनों ने देखने के एंगल बदल दिए थे, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर डायहेड्रल एंगल की मैं बात करूं, सबसे बुक में सबसे पहली बात यही है। अब हम डीपली समझ गए हैं कि डीपली हम इसको समझेंगे कि होती क्या है ये चीजें, है ना। तो डायहेड्रल एंगल क्या होगा? डायहेड्रल एंगल बोलते हैं सर कि आपका जो रेफरेंस कंपाउंड आपने लिया होगा या रेफरेंस एलिमेंट जो लिया होगा उसको अगर आप जितने डिग्री का एंगल रोटेट करो वही आपका डायहेड्रल एंगल कहलाता है, ठीक है ना। मतलब अगर मैं इसको बनाऊं फ्रंट कार्बन को, मैं देखो, और एक चीज ध्यान रखना, ये गोला हो या पॉइंट हो, दोनों में से आप फ्रंट, चाहे आप जिसको मान लो आपकी इच्छा है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होती, इसको आप कुछ भी मान सकते हैं। फ्रंट फ्रंट आपने ये लिखा है, चाहे इस फ्रंट को आप पॉइंट से मान लो चाहे गोले से मान लो, बात एक ही होती है। अब अगर इस कार्बन को मैं पॉइंट से मान रहा हूँ, ठीक है ना, अगर मैं इस कार्बन को पॉइंट से मान रहा हूँ, तो इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं। सबसे पहले हमने सुलटा वाई बनाना है ना, ये हमने हाइड्रोजन बना लिया। और पीछे वाला जो कार्बन है, ये वाला रेयर कार्बन, रेयर कार्बन को मैंने गोले से रिप्रेजेंट कर दिया है ना, और इस रेयर कार्बन पर भी दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। आप ये समझो कि आप किसी कंपाउंड को फ्रंट से देख रहे हो, समझ रहे हो। ये तो हम क्या हो रहे हैं, ये जो इस तरीके से हमको ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये हम साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आप ये समझ लो कि हम जब फ्रंट से ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे सामने एक कार्बन दिख रहा होगा और दूसरा वाला कार्बन उसके पीछे छुप जा रहा होगा। तो ये क्या है कि ये फ्रंट वाला कार्बन और जो गोला बनाया है वो उसके पीछे वाला कार्बन है, ठीक है ना। ये वाला कार्बन आप समझ सकते हैं, ठीक है, पीछे वाला रेयर कार्बन को आप ये गोले से समझ सकते हैं। तो भैया अगर मैं क्या करूं, एक को स्टेबल करके एक को घुमा दूं, तो अभी दोनों किस फॉर्म में है? दोनों वाई की फॉर्म में है, दोनों सीधा सीधा सीधे वाई है। और अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री का रोटेशन कर देता हूँ,
तो 60 डिग्री के रोटेशन के बाद क्या होगा, अगर मैं फ्रंट कार्बन को स्टेबल कर दूं, फ्रंट वाला कार्बन मैंने रोक के रखा हुआ है और पीछे वाला कार्बन मैंने 60 डिग्री घुमा दिया है ना, 60 डिग्री घुमा दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पीछे वाला उल्टा वाई हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो बेटा ये वाला जो एंगल बना है ना थीटा, इसी को बोला जाता है डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल। और डाइहेड्रल एंगल कभी नहीं पूछा जाएगा, बहुत बेसिक बातें हैं, तो ये कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास आता है, अरे बता देना क्या दिक्कत आ रही है, डाइहेड्रल एंगल कौन सा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बेसिक चीज है। जी जी जी, इसके बाद देखना डेजिग्नेशन ऑफ कंफर्मर्स। देखना भाई, डेजिग्नेशन का मतलब ये है कि आपको कुल मिला के बताया जा रहा है कि न्यूमैन प्रोजेक्शन होता क्या है। हम लोग समझ रहे हैं, हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन समझ रहे हैं भाई, एक बार ध्यान से समझ लेना इसको। इसको समझने से पहले मैं फटाफट एक बार आपको ये समझा दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज घुस जाए। हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर। कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर हमारा किस में आया था, ये स्टीरियो आइसोमर्स में। स्टीरियो आइसोमर मतलब जिसकी स्टीरियो चेंज होती है ना कंपाउंड की, स्टीरियो अलग अलग है तो स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर आते हैं। फिर उसके अंदर आते हैं कॉन्फिग्रेशनल और कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल में क्या होता है, रोटेशन होते हैं, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है। रोटेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है न्यूमैन, एक होता है न्यूमैन और एक होता है आपका सॉहर्स। दोनों बात एक ही है, दो अलग अलग साइंटिस्टों ने सेम चीज को अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व किया था, तो दोनों इसलिए अपने अपने नाम से एक ही चीज का गुणगान करते रहते हैं। तो न्यूमैन को अब हम समझेंगे, न्यूमैन क्या होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है, यानी जो आप लोगों को इसने बताया हुआ है ना डेजिग्नेशन ऑफ कन्फर्मेशन। तो डेजिग्नेशन ऑफ कन्फर्मेशन को हम समझ रहे हैं, एनी कंपाउंड क्या होता है, देखना भाई, अगर मैंने एक यहाँ पे एक कंपाउंड लिया है, अब ये बनाना तो आपको पता है कि यार यहाँ पे दो का, एक बात ध्यान रखना, न्यूमैन के लिए भैया एटलीस्ट दो कार्बन होने चाहिए, है ना, एटलीस्ट टू कार्बन रिक्वायर्ड है ना, दो कार्बन यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप CH4 का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाने लग गए, CH4 का कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब क्या है कि दो कार्बन का ऐसा बॉन्ड होना चाहिए, तो दो कार्बन को मैंने एक को पॉइंट से दिखा दिया, एक को गोले से दिखा दिया। पॉइंट को मैंने क्या कर लिया, पॉइंट को मैंने इस तरीके से रख दिया और आगे वाले के साथ, इसके साथ आपने पीछे वाले के साथ अटैच करने, पॉइंट वाले के साथ तीन बॉन्ड और पीछे गोले वाले सर्कल वाले के साथ तीन बॉन्ड, ठीक है ना। अब तीनों बॉन्ड कुछ भी हो, देखो इसने इसने अलग कर दिया है, देखो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, है ना, चाहे आप पहले इसको मान लो, चाहे आप किसको मान लो, उल्टे वाई को मान लो, चाहे आप ऐसे मान लो, दोनों को आप चाहे ऐसे मानो चाहे ऐसे मानो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं होती, बात एक ही होती है ना। फिर भी अगर आप लोगों को बुक में बुक के हिसाब से चलना है, तो बुक ने क्या किया है, बुक ने इसको पॉइंट मान के और इसको उल्टा वाई मान के रखा है, ठीक है, ये उल्टा वाई की तरह इसको लेके चले हैं, ठीक है। और ये पीछे वाले कार्बन के साथ तीन बॉन्ड, ठीक है, एक तो कार्बन कार्बन के बीच में। अब इस बात का ध्यान रखना भाई, यहाँ पर तीन बॉन्ड, इन कार्बनों के तीन तीन बॉन्ड अलग अलग कंपाउंड से होंगे, बीच का बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है, तो जो बीच वाला बॉन्ड है वो हम ऑब्जर्व नहीं, वो हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो बीचों बीच में, हम कंपाउंड को फ्रंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें पीछे के तीन बॉन्ड भी ठीक उसके सामने दिख रहे होंगे। अब क्या होगा, सपोज दैट इसका, इस कार्बन का एक बॉन्ड था ए के साथ में और इसका बॉन्ड था बी के साथ में, है ना, किसी को ए भी मान लो। मेन बात क्या है कि सर अब मैंने इसमें क्या किया, 60 डिग्री का रोटेशन करवाया, 60 डिग्री का, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म, ये होती है फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म, दिस इज फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब क्या होगा, 60 डिग्री का सर आपने रोटेशन किया, अब आप अगर इसका 60 डिग्री का रोटेशन करेंगे तो यहां पर आपका आपने जो माना है वो ये है आपका बी, बी को आपने स्टेबल रखा, दो बॉन्ड ऐसे ही हैं, और अगर आप 60 डिग्री का रोटेशन इसमें कर देते हो तो ये जो फ्रंट वाला कार्बन है उसके साथ आपने बी जोड़ा था, तो बी जोड़ा था तो उसको उल्टा वाई रहने देंगे, पीछे वाले को आप क्या कर देंगे, उल्टा वाई चलता रहेगा, एक को स्टेबल करके वाई को पलटते रहेंगे, है ना, इस तरीके से बॉन्ड बनते रहेंगे। तो पीछे वाला पहले किस फॉर्म में था, उल्टे वाई की फॉर्म में था, आपने उसको क्या किया, 60 डिग्री का रोटेशन कराया तो आपने उसको उल्टे वाई की फॉर्म में ले आए, यानी आपका जो ए है ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और इसको बोला जाता है पी गोची फॉर्म, गोची फॉर्म, ठीक है, या इसको इक्लिप्स स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म,
स्टैगर्ड फॉर्म जो आपकी इच्छा है वो कहना, ठीक है। पर इसको स्पेसिफिक नाम इसका पी को, इसका पी का मतलब पैरा से मत लगा देना, पी का मतलब है पॉजिटिव साइड, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पॉजिटिव से हम पी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 60 डिग्री का और रोटेशन करूं, 60 डिग्री का और, हाँ इसको आप ओवरऑल 120 लिख सकते हो या फिर 60 डिग्री और करके रोटेशन दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल, यहाँ पे पहले वाले में 60 लिखा, इसको आप 120 ओवरऑल 120 कह सकते हो या फिर इसके बाद 60 और कह सकते हो, आपकी इच्छा है। देखो अब अगर इस वाले कंपाउंड को, ये फर्स्ट था, पहले वाले को मैंने फर्स्ट लिख दिया, सेकंड, अब सेकंड वाले में फिर से आपने 60 डिग्री का रोटेशन करवाया तो आपने क्या क्या ये बनाया, ठीक है, और आपने फ्रंट वाले कार्बन का भी ऐसे ही रहने दिया। अब पीछे वाला उल्टे वाई में था, आप उसको आप फिर से क्या कर दोगे, उल्टे वाई के फॉर्म में लिख दोगे, और उल्टे वाई के फॉर्म में लिख दोगे तो आपका ए कंपाउंड यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब ये आ गया तो ये क्या है, ये फिर से आपकी इक्लिप्स्ड फॉर्म आ गई, है ना, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म आ गई, इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब इक्लिप्स्ड फॉर्म ये फुली इक्लिप्स्ड हो गया, इसको बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स्ड, पार्शियल इक्लिप्स्ड, ठीक। अगर आप सर इसमें फिर से 60 डिग्री का रोटेशन करेंगे, 60 डिग्री का रोटेशन फिर से करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पीछे वाला फ्रंट वाले को आपको एक को रोकना पड़ता है, भाई रोटेशन तभी होता है, कोई चीज घुमाई तभी जा सकती है जब आप एक को रोक के पीछे वाले को घुमाओ, दोनों को घुमा दोगे तो वो तो पूरा मॉलिक्यूल ही घूम जाएगा, रोटेशन नहीं होगा, है ना। तो बी वाले को आपने ऐसा ही रखा, आप क्या करेंगे, आप फिर से 60 डिग्री का रोटेशन था तो पीछे वाला उल्टे वाई बना था, आप फिर उसको क्या करोगे, सुलटा वाई बना दोगे, है ना, सुलटा वाई बना दोगे तो ए आपका यहाँ पे पहुंच गया। अब भैया इसको क्या बोलते हैं, ये फॉर्म होती है आपकी एंटी पेरिप्लेनर फॉर्म, एंटी पेरिप्लेनर फॉर्म, एंटी प्लेनर पेरिप्लेनर फॉर्म, या इसको बोलते हैं फुली स्टैगर्ड फॉर्म, जो आप कहना चाहते हो आप इसको कह सकते हो, ये फुली स्टैगर्ड फॉर्म आपकी होती है। अब देखो आप ठीक बीच में पहुंच चुके हो, चाहे तो आप इतने में छोड़ सकते हो, चाहे आप इसके बाद फिर से इसको 300 रोटेशन तक, देखो ये 60 था, अब ओवरऑल बात करें तो ये 120 का रोटेशन था, 6 दुनी 12 6 ये वाला 180 का रोटेशन था। अब आप इसको ओवरऑल करना चाहो तो यहां तक आपका ए कहां तक जा सकता है, आपका जो ए मॉलिक्यूल है, मैं दिखा देता हूं एक बार, यहां पे ये रफ 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 कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप इसको घुमाना चाहो तो ये आप इसको कहाँ तक घुमा सकते हो, सर यहाँ पे बी है और यहाँ पर आप ए को लेके छोड़ सकते हो, है ना, चाहे तो इतना, चाहे तो आप इसको यहाँ पर छोड़ सकते हो, चाहे और घुमा सकते हो, और क्या घुमा सकते हैं, अगर मैं इसको और ज्यादा घुमाऊं तो फिर से अगर मैं इसमें 60 डिग्री का रोटेशन करूँ, 60 डिग्री का रोटेशन करूँ तो 60 डिग्री का रोटेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऐसा था, ये फ्रंट वाला बी था, है ना। अब 60 डिग्री का रोटेशन अगर मैं करूंगा इसमें तो क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका पीछे वाला किस फॉर्म में आया था, सुलटे वाई के फॉर्म में आया था, अब आपने क्या कर देना है, इसको उल्टे वाई की तरह बना देना है, यहाँ पर फिर से ये क्या हो जाएगा, फिर से आप इसको उल्टे वाई की तरह बना लोगे। अब थोड़ा थोड़ा आगे खिसकाते जाना, ये आपका ए आ गया भाई यहाँ पे, ठीक है ना, ये भी आपका इक्लिप्स फॉर्म, ये भी आपका इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक हो गया, है ना। और अगर आप फिर से 60 डिग्री का रोटेशन करवाते हैं, आप फिर से 60 डिग्री का रोटेशन करवाते हैं तो क्या होगा, अब आपने बी को ऐसा ही रखना है, है ना, और फिर आप पीछे वाले को सुलटे वाई की तरह बना दोगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका ए, है ना। और ये भी आपका गौची फॉर्म होती है, गौची कौन सी, इसको बोलते हैं एम, एम गौची, एम का मतलब माइनस है क्योंकि ये इसकी ठीक बी के एंटी क्लॉकवाइज में जा गया, चला गया है, तो इसको एम यानी माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी मेन फॉर्म आपके पास कौन सी है, मेन है आपके पास, अगर मैं बात करूं तो मेन मेन फॉर्म आपको कौन सी याद रखनी है, वैसे तो आपको पूरा याद रखना है पर जिनके नाम आपको खासकर याद रखने हैं, बीच वालों के नाम ना भी दो तो चलेगा, अगर आपको नाम रखने की बात हो तो आपको एक फुली इक्लिप्स्ड याद रखना है, फुली इक्लिप्स्ड, है ना, एक आपको रखना है पहला फुली इक्लिप्स्ड, दूसरा आपको याद रखना है पार्शियल इक्लिप्स्ड, फिर आपको थर्ड याद रखनी है एंटी फॉर्म, और चौथा आपको याद रखना है पैरा गौची फॉर्म, और पांचवा आपको याद रखना है पैरा, सॉरी प्लस गौची फॉर्म और माइनस गौची फॉर्म, तो ये फॉर्म्स आपको याद रख लेना, आप देख लेना कहाँ कैसे आपका ये रोटेशंस हुए हैं
समझ लेना इन चीजों को, हम लोगों ने इसका रोटेशन कैसे करवाया है। यहाँ पे हमारा नोमेनक्लेचर था, ये फुली इक्लिप्स्ड पैरागॉजी, फिर हमने 60 डिग्री का रोटेशन फिर से कराया, पार्शियल इक्लिप्स आ गया है आपके पास, 60 डिग्री का रोटेशन फिर से कराया, आपका ठीक 180 डिग्री में होता है एंटी एंटी फॉर्म, ये आपकी एंटी फॉर्म आ चुकी है। ठीक, एंटी फॉर्म का फिर से आपने 60 डिग्री का रोटेशन करवाया, तो 60 डिग्री का रोटेशन अगर आप फिर से करवाते हैं, अगर सिक्स ये रोटेशन फिर से करवाते हैं तो ये इक्लिप्स फॉर्म आई फिर से, ये भी आपकी पार्शियल इक्लिप्स है, पार्शियल इक्लिप्स, और लास्ट में आपको मेटागॉजी फॉर्म आ गई, तो मतलब सॉरी माइनस, मैंने मेटा से याद किया हुआ है तो आप लोग देख लेना, माइनस गॉजी। ठीक है, इस तरीके से आपके रोटेशन होते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ लेना, इतनी बात कुछ समझ में आए आपको, अभी और सारे कंपाउंड आएंगे उनमें चीजें क्लियर हो जाएंगी, इतनी बात आप लोगों की समझ में आई पहले। अरे वो भी तो भाई देखो, डेजिग्नेशन ऑफ कंफर्मेशन में आप लोग कुछ बात अगर समझना है तो ये बात समझ लेना है, और चीजें समझानी है आपको तो देखो भाई, कंफ्यूज तो नहीं हो गए हो ना चीजों में? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? अब आपने ये क्लाइंट प्रीलॉग टर्मिनोलॉजी, क्लाइंट प्रीलॉग टर्मिनोलॉजी कुछ कुछ नहीं है, बस नाम दिए गए हैं, एक तरीके से आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर समझ लो, क्योंकि ये क्लाइंट प्रीलॉग को टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज में भले पहले हुआ था, पर मैंने जब इसके अंदर पढ़ा तो वही बात कही गई है जो आईयूपीएससी हमको बताता है, आईयूपीएससी ने ही शायद इनको, मतलब आईयूपीएससी मेन है, बाकी उनके नाम इन्होंने अलग अलग रखे होंगे कंपाउंड्स के या चैप्टर्स के हिसाब से हो सकते हैं। ठीक है, देखो भैया मेन बात क्या है, टर्मिनोलॉजी में आपका जो मेन चीजें हैं डेजिग्नेशन वगैरह जो ऊपर के दो तीन, अरे कौन आयुपेक नेम, मतलब ये जो सिन और एंटीसिस ट्रांस सब जो तुम कह रहे हो ना, आर एस ई जेड, ये सब आयुपीएससी के ही अंदर आते हैं। आयुपीएससी क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यही डिसाइड करता है बेटा। तो कंफर्मेशन के लिए अलग से नोमेनक्लेचर प्रीलॉग सिस्टम कर दिया होगा, बाकी देखते हैं, चलो छोड़ो उस बात। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, देखो भाई मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ, इन पॉइंट्स को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले सकते हैं, आप वैसा लिखना चाहे तो वैसा लिख सकते हैं। ठीक है भाई, देखो ये बुक में नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, पर वही जो बुक में समझाया गया है उसको मैं थोड़ा इजी वे में आप लोगों को सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो देख लेना भाई, स्टीरियोकेमिकली अरेंजमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू टोर्शनल एंगल। ठीक है, स्टीरियो केमिकल अरेंजमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू टॉर्शनल एंगल। देखो भाई ये आना आया होगा तो देख लेना, अदरवाइज थोड़ा बहुत पता तो होनी चाहिए। बिटवीन 0 टू 90 डिग्री, 0 डिग्री टू 90 डिग्री आर कॉल्ड सिन, सिन फॉर्म कहते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिन क्या होता है कि सर आपके पास अगर मॉलिक्यूल है और ये है, इस तरीके का आपके पास मॉलिक्यूल है, ये ए था, पीछे इसके बी लगा पड़ा है। ठीक है, अब अगर इसमें 90 जीरो से बोला 90 डिग्री का एंगल का अगर रोटेशन होता है, तो 90 डिग्री का रोटेशन क्या होगा, ए को तो आपने स्टेबल कर दिया यानी ए को तो आपने रोक दिया, बी का 90 क्या होगा, बी का 90 ये होगा सर कि ये बी यहाँ पे घूम जाएगा, है ना, बी का 90 या किसी का भी, बाकियों में भी ऐसा ही होगा, बस एक से समझ लो, बाकियों को मैंने ऐसे ही रख दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी 90 डिग्री घूमेंगे, मॉलिक्यूल का एक बॉन्ड नहीं घूमेगा, बस समझाने के लिए बात बता रहा हूँ कि बी 90 डिग्री यानी ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, बाकी ये जो पीछे वाले के और बॉन्ड है ये भी घूमेंगे, मगर ऐसा तो है नहीं कि एक ही बॉन्ड घूमे, बॉन्ड जब पूरा एक कंपाउंड का एक साइड घूम रहा है ना, एक को हम पूरा घुमा रहे हैं, तो भैया वो पूरे ये वाले दोनों नीचे पीछे वाले दो बॉन्ड और भी घूमेंगे। ठीक है ना, बस समझने के लिए इतना समझ लेना कि जब थीटा 90 डिग्री होता है तो इसको हम सिन फॉर्म बोलते हैं, ये सिन फॉर्म होती है।
मेन जगहों पे इनका यूज नहीं होगा, मेन जगहों पे इनका यूज नहीं होने वाला है, बस इनको पता होना चाहिए। कहीं कहीं पे टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है तो आप लोगों को वहां पर ये चीजें पता होनी चाहिए। तो इसको सिन फॉर्म बोला जाता है भाई, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये है, या पूरा एक्सप्लेन वैसे ही एक्सप्लेन करके बताता हूँ, लिख नहीं रहा मैं, ठीक है। तो आपको ये तो मैंने बता ही दिया। अगर मेरे पास सपोज दैट मेरे पास ये कंपाउंड है, ये एम ई था, और पीछे भी मैंने क्या किया, पीछे वाले मॉलिक्यूल में मैंने एम ई ले लिया है, ठीक है ना। अगर बाय द वे इनका प्लस माइनस 30 डिग्री का रोटेशन, ठीक, 30 डिग्री का, 60 नहीं है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री अगर प्लस माइनस का रोटेशन हो, तो 30 डिग्री प्लस माइनस का रोटेशन कैसे हो जाएगा कि सर एम ई तो ऐसा ही था, 30 डिग्री अगर मैं हल्का सा झुकाऊं, 60 डिग्री के जितना मत झुकाना, बस थोड़ा सा झुकाना 30 डिग्री के अराउंड, तो 30 डिग्री के अराउंड मैंने थोड़ा सा झुका दिया, यहाँ पर ये बॉन्ड आगे खिसक जाएगा, इधर की तरफ क्लॉकवाइज घुमाया तो सारे बॉन्ड्स को क्लॉकवाइज की तरफ दिखाना। इनके बीच में अगर 30 डिग्री का एंगल क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, डिपेंड मतलब आपकी इच्छा, कैसा भी घुमा देना, 30 डिग्री का अगर रोटेशन हो तो इसको बोला जाता है सिन पेरी प्लेनर। दिस इज योर सिन पेरी प्लेनर, ये होती है आपकी सिन पेरी प्लेनर स्ट्रक्चर, इस बात का ध्यान रखना भाई, है। इसके बाद बात करते हैं, ये तो सिन पेरी प्लेनर हो, स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई, ठीक है। अगर 30 to 90 degree का एंगल हो, 90 degree का एंगल हो, तो ये 90 degree का, 30 to 90 degree का एंगल, भाई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पे डी प्लस एल माइनस डेक्सो रोटेटरी और रोटेटरी हम नहीं पढ़ रहे हैं, कंफर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे या क्लॉकवाइज घूमे, ठीक है। तो ये एम ई है, एच है और ये एच है। अगर इसका रोटेशन ये 90 डिग्री हो जाए, अभी बताया था फ्रंट, तो सिन तो बताया था, पर कौन सा सिन, एक तो सिन क्या था, एक सिन पेरिप्लेनर था, सिन पेरिप्लेनर कब था, जब 30 डिग्री का रोटेशन है, जब 90 डिग्री का रोटेशन होता है ना सर, तो यहाँ पे ये आता है सिनक्लाइनल, ठीक है ना, सिनक्लाइनल बोलते हैं इसको, दिस इज योर सिनक्लाइनल, ठीक। तो 30 डिग्री में आपका था कौन सा सर, सिन पेरिप्लेनर, और 90 डिग्री में आ गया सर आपका सिनक्लाइनल। ये बात हमारी, ये दो बातें हमारे को क्लियर हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट ये है कि अगर मैं 120 डिग्री का रोटेशन करता हूँ, 120 डिग्री मीन सर मेरा ये एम ई मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ना, पीछे पहले एम ई था, है ना, और 120 डिग्री का रोटेशन कर दूं मैं, 120 डिग्री मतलब 60-60 दो बार, भैया 120 डायरेक्ट घुमाना आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो 60-60 दो बार घुमा देना, 60 घुमाओगे तो क्या होगा, 60 घुमाओगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, है ना, एम ई और एम ई होगा, और फिर से 60 घुमाओगे तो क्या होगा, आगे वाला तो ऐसा ही वाई रहेगा, पीछे वाला फिर से क्या हो जाएगा, फिर से उल्टा वाई बन जाएगा पीछे वाला, तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा, यहाँ पे एम ई आगे वाला ऐसा ही रहेगा, और पीछे वाला एम ई कहाँ पहुंच जाएगा, पीछे वाला एम ई पहुंच जाएगा नीचे। तो 60 यहाँ पे जब 120 डिग्री का रोटेशन होता है, चाहे प्लस चाहे माइनस, तो बेटा जी यहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं एंटी क्लाइनल, ये आता है एंटी क्लाइनल, इस बातों को ध्यान रखना, दिस इज योर एंटी क्लाइनल टाइप स्ट्रक्चर्स, यानी इनको इनका नोमेनक्लेचर आप एंटी क्लाइन, इसको इक्लिप्स तो कॉमन भाषा में कह देते हैं, एंटी क्लाइनल प्रॉपर वर्ड इसके लिए एंटी क्लाइनल इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये है आपका एंटी क्लाइनल स्ट्रक्चर। और अगर नेक्स्ट की बात करूं मैं, तो नेक्स्ट की बात अगर मैं बताऊं तो एंटी पेरिप्लेनर, सबसे इंपॉर्टेंट एंटी पेरिप्लेनर, दिस इज योर एंटी पेरिप्लेनर। एंटी पेरिप्लेनर क्या होता है सर, जब 180 डिग्री का रोटेशन होता है, ठीक है, 180 डिग्री का रोटेशन, यानी मेरे पास पहले मैंने ये था, ये एम ई, और बाद में मेरे पास मतलब ये पीछे वाला एम ई, और अगर मैं 180 डिग्री का रोटेशन कर दूँ तो फ्रंट वाले को तो मैं स्टेबल करूंगा, सभी बॉन्डों को 180 डिग्री घुमा दो भाई, ऊपर वाला ठीक नीचे आ जाएगा, है ना, ये वाला बॉन्ड ठीक इधर चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड पीछे वाला ठीक इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल आ गया, तो इसको बोला जाता है एंटी पेरिप्लेनर,
दिस इज योर एंटी पेरिप्लेनम। तो शायद आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है बेटा, एक बात ध्यान रखना, नोट पॉइंट ये याद रखना, नोट पॉइंट क्या याद रखने हैं आपने कि सर जो सिनक्लाइनल होती है ना, सिनक्लाइनल को ही हम गॉची फॉर्म भी कहते हैं, सिनक्लाइनल ही आपकी गॉची फॉर्म है, और इसी को अगर आप ढंग की बुक रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो स्क्यू फॉर्म भी इसी को कहा जाता है। क्लेडन में इसको स्क्यू फॉर्म की तरह इस्तेमाल करते हैं, लिखा जाता है। ठीक है देखो भाई और क्या है, आल्सो नोन सिन एंड सिस कंफर्मेशन। सिन पेरिप्लेनर को क्या कहते हैं, जो सिन पेरिप्लेनर होती है, सिन पेरिप्लेनर को क्या बोला जाता है, सिन पेरिप्लेनर को सिन भी बोला जाता है, शॉर्ट सिस भी बोला जाता है। ठीक है और एंटी पेरिप्लेनर को बोला जाता है आपका ट्रांस और एंटी फॉर्म। तो ये आपकी कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिनको बोला जाता है। तो आप ये बात ध्यान रखें कि आप अगर गॉची फॉर्म बोल रहे हो तो आप सिनक्लाइनल की ही बातें कर रहे हैं। अब मैं आपको मेन चीजों पे आते हैं जो आपकी कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर्स हैं, मगर मैं कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बातें सबको पता नहीं होती है, तो कृपया ज्यादा शेयर न करें, छुपा छुपा के रखें। देखो भाई मेन बात है स्ट्रेन क्या, किस तरीके का स्ट्रेन हमारे को देखने को मिलता है। ठीक है ये हमारे IIT जैम में हम लोगों ने पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत मुझे जितना याद आया तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो भाई अगर मेरे पास एथेन टाइप का स्ट्रक्चर है, एथेन क्या होता है, CH3 बॉन्ड CH3 क्या होगा कि सर ये बना देंगे हम सीधा सीधा, दोनों को कार्बन को हमने दिखाया, या तीनों बॉन्ड हमने हाइड्रोजन से बनाने, पहले हाइड्रोजन से बना दिया और पीछे वाला भी हाइड्रोजन से बना दिया। अब क्या होता है देखना, अगर मैं इस बात को देखूं तो ये पता कैसे हैं, ये ऐसे हैं। ये अगर मैं साइड से देखूं, फ्रंट से देखूंगा तो कुछ ऐसे दिखेंगे, साइड से देखूंगा तो कुछ ऐसे दिखेंगे। तो बेटा हाइड्रोजन के ठीक पीछे हाइड्रोजन आ रहा है, इस हाइड्रोजन के ठीक पीछे ये हाइड्रोजन आ रहा है और इस हाइड्रोजन के ठीक पीछे ये वाला हाइड्रोजन आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हाइड्रोजन एक बहुत छोटा एटम है, तो होने क्या जा रहा है यहाँ पे कि सर यहाँ पे जब, इसीलिए तो स्टैगर्ड स्टेबल क्यों होता है, स्टैगर्ड स्टेबल इसीलिए होता है कि इक्लिप्स, ये वाली कौन सी फॉर्म है, इसको हमने इक्लिप्स फॉर्म कहा था। इक्लिप्स फॉर्म में हाइड्रोजन के ठीक पीछे हाइड्रोजन आ रहा है, कंपाउंड के एलिमेंट के ठीक पीछे एलिमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेन या रिपल्शन क्रिएट हो जाते हैं और रिपल्शन क्रिएट होने से यहाँ पर स्ट्रेन आता है। स्ट्रेन ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्ट्रेन आपका कितने का लगता है, कितना रिपल्शन यहाँ पे फील होता है। तो यहाँ पर जो रिपल्शन लगता है, यहाँ पे अगर इक्लिप्स फॉर्म की बात करूँ मैं एथेन मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पे 1 kcal/mol का यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, स्ट्रेन देखने को मिलता है। ठीक है बुक्स में जो जो मेंशन किया गया है वो बता रहा हूँ मैं, है ना, और ये आपको कोई नहीं बताएगा। देखना अगर मैं इसी का स्टैगर्ड फॉर्म बना लूँ, स्टैगर्ड फॉर्म मतलब अगर आपने एक को तो ऐसा बना दिया और दूसरे को आपने घुमा के ऐसा कर दिया, है ना। अगर मैं इसको मैं दूसरे फॉर्म में, ये बेटा ये है पहला वाला था आपका न्यूमान और दूसरे में जिस तरीके से मैंने दिखाया ना आपको, ये था आपका, इसको बोलते हैं सौ हॉर्स और न्यूमान। मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया है कि सौ हॉर्स और न्यूमान कुछ नहीं है, एक कंपाउंड को देखने के अलग अलग तरीके हैं, दो साइंटिस्ट नहीं है, दो तरीकों का नाम है न्यूमान और सौ हॉर्स। नाम तो साइंटिस्टों के ही है पर उनका तरीका है दोनों का। अब देखो अगर मैं बात करूं तो ये कैसे हैं, एक्चुअल में ये उल्टा वाई बना दोगे पीछे वाले को और नीचे वाले भी दूसरे वाले को बना दोगे उल्टा वाई। अब देखो एक के पीछे कोई दूसरा नहीं आ रहा है, है ना। अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूं तो इसके ठीक सामने यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर इसको इतना ज्यादा रिपल्शन फील नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि स्टैगर्ड में रिपल्शंस नहीं लग रहे होते भाई, आदमी के ठीक पीछे आदमी नहीं आ रहा है, उससे थोड़ा हटके आ रहा है, तो उससे जितनी दिक्कत उसको होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो रही है, है ना। तो इससे ये इस साइड में है और ये इस साइड में है, तो कोई यहाँ पर सीधे में इसके ठीक सामने कोई नहीं है, तो यहाँ पर इसको क्या नहीं होगा, रिपल्शन फील इतना ज्यादा नहीं होगा। वैसे भी हाइड्रोजन एक बहुत छोटा एलिमेंट है तो इसको ज्यादा रिपल्शन फील नहीं होगा, तो यहाँ पर ये 0 kcal
पर मोल का रिपल्शन फील करते हैं, यानी यहाँ पर कोई भी रिपल्शन नहीं होता है मैथेन के केस में। ध्यान से समझना, आप इतना डीप हर किसी के लिए नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट में आगे चल रहा हूँ। अगर मेरे पास हो CH3 CH2 CH3, तो इसको लोगे आप फ्रंट कार्बन और इसको लोगे आप रेयर कार्बन। तो फ्रंट कार्बन को सर मैंने पॉइंट से दिखा दिया, और पॉइंट फ्रंट कार्बन के पास क्या है, दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। फ्रंट कार्बन के पास दो हाइड्रोजन जुड़े हुए सर, जोड़ दिया हमने। अच्छा, इसको उल्टा वाई बना देते हैं, इसको उल्टा वाई ही बना देते हैं, इसको हमने बना दिया उल्टा वाई। सर इसके पास, फ्रंट कार्बन के पास दो हाइड्रोजन जुड़े हुए और एक CH3 जुड़ा हुआ है ना, दिख रहा है आपको? इतनी इस बात समझ में आ रही है, इतना दिख रहा है? फ्रंट कार्बन के पास एक CH3 जुड़ा हुआ है और दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? और भी हैं चले गए? हेलो, अबे विनय, अश्विन, वो सब है साले बोल। देखो भाई, अब होगा क्या, अगर मैं इस तरीके का कंपाउंड बनाऊं जहां पर एक CH3 हो, मतलब कुल मिला के मैंने क्या किया है, देखो मैथेन में क्या था, मैथेन में सर हमारे पास कुछ ऐसा था कि सारे हाइड्रोजन ही थे। अब मैंने एक भी हाइड्रोजन को हटा के क्या कर दिया है, CH3 लगा दिया, यानी एक ऑर्गेनिक बल्की ग्रुप लगा दिया, वो भी कौन, मैथेन लगा दिया है, मैथेन लगा दिया है सर मैंने। तो मैथेन क्या है, अपने आप में बल्की ग्रुप है, ऑर्गेनिक ग्रुप यानी बल्की ग्रुप। तो CH3 थोड़ा बहुत तो रिपल्शन देगा। अब CH3 के कारण यहां पर रिपल्शन लगने लग जाता है 1.4 किलो कैलोरी पर मोल का, इस बात का ध्यान रखना। अगर इसी का मैं क्या करूं, इसी का ये कौन सी फॉर्म थी, इक्लिप्स्ड फॉर्म है ना, अगर इसी का स्टैगर्ड फॉर्म बनाऊं, मैं तो इसी का स्टैगर्ड फॉर्म में कैसा होगा कि ये तो सर CH3 था, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और बाकी को पीछे वालों को घुमा दिया है 60 डिग्री, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा। अब 60 डिग्री सर ये घूमे हैं, तो इसमें फिर से क्या हो जाता है, देखो ये CH3 के ठीक पीछे कोई हाइड्रोजन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर 0 किलो कैलोरी पर मोल का रिपल्शन लगने लग जाते हैं, यानी स्ट्रेन है यहाँ पे इतने का लगता है। आगे अगर मैं अभी तो मैंने एक CH3 रखा, अगर मैं दोनों CH3 कर दूं, यानी मैं कंपाउंड ले लूं किस तरीके का, CH3 CH2 CH2 CH3 का, इसको बीच वाले को ले लो फ्रंट कार्बन और ये इसको ले लो रियर कार्बन, तो क्या होने वाला है, तभी तो रिपल्शन, रिपल्शन के कारण क्या होता है बेटा, रिपल्शन के कारण एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, देखो ना, पता क्या है, जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में एक चीज ये ध्यान रखना बेटा कि अगर आपके अंदर स्टेबिलिटी आती है ना, स्टेबिलिटी है ना, अब आप अभी अनस्टेबल हो, बिना जॉब के हो ना, तो आपके पास एनर्जी भरपूर है, आप क्या कर रहे हो, अब हर जगह मुंह मार रहे हो नौकरी के लिए है ना, तो एनर्जी आप अभी अनस्टेबल हो तो आपके पास एनर्जी पूरी है ना, आप रिएक्ट करने के लिए तत्पर हो, आपको कोई मतलब ढंग का ऑफर दे दे तो आप वहीं भागने के लिए तैयार हो, क्यों विनय, विनय आपको कोई ढंग का ऑफर दे दे तो आप वहीं भागने के लिए तैयार है विनय जी। और स्टेबिलिटी क्या होती है, आपकी सरकारी नौकरी लग गई, अब सरकारी नौकरी लग गई तो भैया एनर्जी अपने आप में कम हो गई, मतलब स्टेबिलिटी आ गई तो अपने आप में आदमी रिलैक्स हो गया, मिले ना मिले जॉब कोई समस्या नहीं है, तो स्टेबिलिटी मिलने से एनर्जी कम हो जाती है, और एनर्जी कम होने से क्या होता है, रिएक्टिविटी स्लो हो जाती है, रिएक्टिविटी नहीं आएगी बेटा, स्टेबिलिटी और एनर्जी का इनवर्स रिलेशन होता है केमिस्ट्री में, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी बेटा, एनर्जी इनवर्स होती है। हाँ, तो आपको मैं बता रहा था कि अगर मेरे पास मॉलिक्यूल कुछ एन मेथड प्रोब्यूट, ये भी चर्चाएं का विषय बनेगा अभी, एन ब्यूटेन टाइप का अगर मेरे पास कंपाउंड हुआ तो मेरे पास क्या होने जा रहा है, देखो
यहाँ पे फ्रंट कार्बन मैंने लिया था, तो इसके पास क्या था, इसके पास जी एक सी एस थ्री है और दो हाइड्रोजन है। लगा दिया हमने सर एक सी एस थ्री और दो हाइड्रोजन। अब क्या है, दूसरे वाला कार्बन को मैंने एक गोले से दिखा दिया, उसके पास भी सर, उसके पास वो ठीक पीछे है सी एस थ्री और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। बेटा सी एस थ्री और हाइड्रोजन जब रह रहे थे तो 1.4 किलो कैलोरी का रिपल्शन कर रहे थे, अब तो दोनों बल्कि ग्रुप आमने सामने आ चुके हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पर लगने लग जाता है 3.4 किलो कैलोरी पर मोल का रिपल्शन। इस बात को ध्यान रखना। अगर मैं इसी का स्टेगर इसी में रोटेशन कर दूं, और रोटेशन करके इसको क्या कर दूं सर, रोटेशन करके मैं इसको कर दूं, ये सी एस थ्री तो ऐसा ही रहेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैं ले आया इधर सी एस थ्री सी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो बेटा इसका रिपल्शन होने लग जाता है, इसका होता है 0.9 किलो कैलोरी पर मोल। स्टैगर्ड फॉर्म में देखो अपने आप में कितनी स्टेबिलिटी आ जा रही है, देखो सी एस थ्री सी एस थ्री। और अगर मैं बात करूं, अगर इसी का मैं क्या करूं, देखो सी एस थ्री के अभी भी स्टैगर्ड में तो है, देखना ध्यान से समझना हाँ चीजों को, अभी ये स्टैगर्ड में तो है पर फिर भी थोड़ा बहुत आमने सामने है। अगर मैं बेटा इसको घुमा घुमा के एंटी फॉर्म में ले आया ना, एंटी फॉर्म में, कि सर सी एस थ्री तो एक ऐसा ही है और दूसरा सी एस हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और दूसरा सी एस थ्री क्या हो जाए सर, दूसरा सी एस थ्री ठीक इसके एंटी में आ जाए, तो ये सबसे स्टेबल होती है, यहाँ पे 0 किलो कैलोरी पर मोल का रिपल्शन लग रहा होता है, ये है बात, समझ रहे? तो कितने किलो कैलोरी का रिपल्शन लग रहा है, बात समझ में आई आपके, क्लियर है? इसको बात को ध्यान रखना, कितने में कितने का लग रहा है, याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन चीजों को अगर आपने मेंशन कर दिया पेपर में तो आप एग्जामिनर को लगेगा कि इनको आती है चीजें, रटी नहीं हुई इन्होंने, और नंबर देने में उसको ग्राफ भी बताएंगे। बेटा ग्राफ भी बताएंगे, अभी हमने पूरी बातें डिस्कस थोड़े ना की, अभी तो हम कंफर्मेशनल स्टार्ट कर रहे हैं, अब एथेन की शुरुआत कर रहे हैं, एथेन की, एथेन की, एथेन का मतलब, एथेन का मतलब होता है सर सी एस थ्री बॉन्ड सी एस थ्री। अब सी एस थ्री बॉन्ड सी एस थ्री की शुरुआत हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले इक्लिप्स्ड फॉर्म से शुरुआत हो, है ना? ये है सर, ये पॉइंट मान दिया कार्बन, इसके पास तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और गोले से मान दिया पीछे वाला कार्बन जिसके पास भी तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब इसमें हमने कर दिया 60 डिग्री का रोटेशन, 60 डिग्री का रोटेशन। तो 60 डिग्री का रोटेशन करूंगा तो क्या होगा, फ्रंट वाले हाइड्रोजन तो ऐसे रहेंगे भाई, आपको पीछे वालों को बस उल्टा वाई उल्टा वाई करते रहना है, बस एंगल्स में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? तो पीछे वाला अभी किस फॉर्म में है, उल्टे वाई की फॉर्म में, उसको सुलटे वाई की तरह बना दो। कि सर हमने क्या किया, इसको मैंने H1 मान लिया, H1, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना? अब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और आपका H1 पहुंच गया यहाँ पे, ठीक। फिर से 60 डिग्री का रोटेशन करेंगे, ओवरऑल कितने का है, ओवरऑल 120 का, ताकि कंफ्यूज ना हो, 120 लिख लेता हूँ, ओवरऑल 120, है ना? 120 किसके हिसाब से देख रहे हैं, इसके हिसाब से आने वाला, ठीक है? और अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड है, थर्ड कैसे बन जाएगा, एक को स्टेबल रखेंगे पहले वाले को। बेटा अगर आपने शुरुआत में एक को स्टेबल रख दिया है तो आखिरी तक उसी को स्टेबल रखेंगे, ऐसा नहीं बीच में किसी और को घुमा दिया, आगे वाले को घुमा दो पीछे वाले को, ऐसा नहीं, शुरुआत से एक को ही रखेंगे स्टेबल। अब देखना होगा क्या, अब फिर से ये बैक वाला कार्बन को देखो, उल्टा वाई था, तो बैक वाले को फिर से आप उल्टे वाई की तरह ले आओगे, ये उल्टा वाई, ये उल्टा वाई, और आपका H1 कार्बन का हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, बाकी हाइड्रोजन आपने ये कर दिया। फिर आपसे 60 डिग्री का रोटेशन कर दिया, फिर 60 डिग्री का करोगे तो ये थर्ड वाले स्ट्रक्चर था, फिर से 60 डिग्री का होगा तो क्या होगा, आपने आगे वाला तो उल्टा ही वाई था आपका, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, पीछे वाई वाला उल्टा वाई हुआ था, पीछे वाले को सुल्टा वाई बना दो भाई, और ये हो जाएगा H1, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये आपका हो गया चौथा स्ट्रक्चर। फिर आपने 60 डिग्री घुमाया इसको, अगर फिर से 60 डिग्री घुमाओगे तो आगे वाला तो क्या है,
उल्टा वाई यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और पीछे वाला क्या हो जाएगा, पीछे वाला उल्टा वाई था उसको फिर से उल्टा वाई कर दो, फिर से उल्टा वाई कर दो, तो ये हो जाएगा H1 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर से 60 डिग्री रोटेशन, ये पांचवा स्ट्रक्चर है, फिर से 60 डिग्री का रोटेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और पीछे वाला क्या होगा, उल्टा वाई बना था तो उस पीछे वाले को आप उल्टा वाई बना देंगे दोबारा, ये हो जाएगा H1 या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये आपका सिक्स्थ स्ट्रक्चर हो जाएगा और आपके इतने ही बनेंगे, इससे ज्यादा रोटेशन आपका नहीं होगा। अब नाम क्या रखेंगे, अब नाम रखते हैं भाई, इनके नामकरण करते हैं। देखो भाई अब पंडित तो हम है, नामकरण शुरू करते हैं। देखो इसको अब शुरुआत कर रहे हैं इक्लिप्स से, ये आ गया आपका ये क्या मैथेन वाले में, ये आ जा तू इसमें 16.7, ये एथेन वाले में ये आ गया तेरा 16.7 में, इक्लिप्स्ड फॉर्म। हाँ तो नहीं कराना क्या, क्या हो गया तू 16.7 देखना, पेज नंबर आपका है कौन सा, ये पेज नंबर 276 है शायद, अरे भाई विनय क्या कहां पे अटक गया, विनय 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 भाई, कहां है भाई, तो क्या करना है आगे बढ़े। देखो भाई ये आपकी स्टैगर्ड स्टैगर्ड या इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लस गॉची फॉर्म, ठीक है। और ये क्या है आपकी भाई, नाम चाहे तो तुम इतने तक कर लो, जब ये 180 तक जा रहा है इतने तक ही, क्योंकि वापस अब रिपीट हो रहे हैं, देखो 180 के बाद फिर वापस रिपीट हो रहा है वो चीज, तो आप ये इक्लिप्स्ड फॉर्म आ गई इसको बोलते हैं। वैसे अगर इसको बात करें तो ये फुली इक्लिप्स्ड, ये पी गॉची पैरा गॉची है ना, ये थर्ड वाला क्या होगा, ये पार्शियल इक्लिप्स्ड हो गया, पार्शियल इक्लिप्स्ड क्यों, क्योंकि पहले वाले में क्या आ रहा है हाइड्रोजन एक दूसरे के जिससे हमने शुरू किया था घुमाना वो एक दूसरे के ठीक पीछे था, अब वो घूम के उस वाले से दूर आ चुका है, तो ये पैरा इक्लिप्स भले उससे दूर है किसी ना किसी के पीछे तो है ही, इसीलिए इक्लिप्स कह रहे हैं, पर उससे दूर है इसीलिए पॉजिटिव इक्लिप्स पी इक्लिप्स। ये आ गई आपकी, ये कौन सी वाली, ये एंटी फॉर्म, दिस इज योर एंटी फॉर्म, एंटी पेरिप्लेनर, ठीक है। वापिस ये कौन सा था, ये भी ये आपका पार्शियल इक्लिप्स आ गया वापिस, और ये आपका आ गया एम से दिखाएंगे, इसको बोलेंगे एम गॉची फॉर्म। क्या समझ में आ गया सब, ठीक है, क्योंकि इनमें बल्कि ग्रुप नहीं है तो इसका जो वो बनेगा आपका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम जो बनेगा आपका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कैसे होगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम यहाँ पे 60, एक मिनट यार इसको सीधा बना देते हैं, साठ शायद 12 शायद 18 जब 60 डिग्री का रोटेशन कर रहे थे, देखो 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 इधर देखो, जब सर हम 60 डिग्री का रोटेशन कर रहे थे पहले इक्लिप्स्ड फॉर्म में था, तो गॉची फॉर्म में क्या जा रहा है, ये गॉची का फॉर्म का मतलब जब केवल 60 का ही रोटेशन हुआ है तो स्टैगर्ड फॉर्म में, तो थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आएगी, फिर 120 डिग्री का करेंगे तो फिर इक्लिप्स यानी फिर रिपल्सन,
फिर 120 डिग्री करेंगे तो फिर एंटीफॉर्म यानी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर वो करेंगे तो फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है। देखो भाई इक्लिप्स्ड में रिपल्सन, स्टैगर्ड में क्या कम रिपल्सन यानी स्टेबिलिटी। इक्लिप्स्ड अगर आपसे कोई पूछ ले एथेन में सर कौन सा स्टेबल होता है तो आपने कहना है कि सर स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म क्यों? रीजन आपको पता है, स्टैगर्ड में रिपल्सन कम हो जाते हैं और एथेन के रिपल्सन मैंने आपको बता दिए हैं, अभी रिपल्सन हमने डिस्कस किए थे। तो अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम देखोगे तो रिपल्सन वाले में सबसे ज्यादा 60 डिग्री का करोगे तो कम आएगा, है ना, ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, पहले वाले जैसा ही बनाना है। अरे यार, ए भगवान, ये ठीक आधा है, ये समझ लो, इतने के बाद ठीक वैसा ही बनेगा जितना पहले था। इतना मेन आप अगर इतना भी ध्यान रखो, तभी तो कह रहा हूँ मैं कि 180 तक का ही आप डिस्कस करने को बोलते हैं, 180 डिग्री के रोटेशन तक ही आप डिस्कस करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर रिपीटेशन हो जाता है, वही बात आने लग जाती है। समझ में आया ये वाला क्या हो रहा है? ये समझ में आया, पहले इक्लिप्स्ड था ये, फिर स्टैगर्ड में इसकी एनर्जी कम हुई, 60 डिग्री जब घुमाए तो स्टैगर्ड बना, स्टैगर्ड में एनर्जी कम हुई, फिर इक्लिप्स्ड गया 120 में, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स्ड, फिर स्टैगर्ड, फिर इक्लिप्स्ड। समझ में आया जी? एनर्जी कम जब पीछे नहीं है तो रिपल्शंस कम हो जाएंगे, रिपल्शंस कम होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी ऑब्वियस सी बात है कम होगी। जी 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 बेटा, फ्लोरीन का केस बदल जाता है, बैक बॉन्डिंग होने लग जाती है, अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे, मैंने देखा था काफी, अगर समझने पे आए तो काफी। जी बेटा जी, ग्राफ सबके नहीं देंगे, फ्लोरीन फ्लोरीन वो कहीं भी नहीं देते हैं, कभी भी पूछा जाता है तो कहीं भी नहीं है वो, यहाँ भी नहीं है क्लेट। मैंने तो तीन किताबें छान मारी ऊपर से सुबह से, एक जगदम्बर सिंह पढ़ी थी मैंने, एक अभी ये पढ़ी कौन सी, रॉबर्ट नेल्सन, और एक क्लेडन पढ़ी, तीनों में कहीं नहीं दे रखा। देखो भाई और डिस्कस करें क्या, एनब्यूटेन का डिस्कस करना है, विनय विनय भाई करना है आगे, नींद कैसे आ रहा है? कंफर्मेशनल रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अब अपने आप को बहुत निकी तरह पड़ी है, मैं रिकॉर्डिंग आज तुरंत भेज दूंगा। ठीक है बेटा, गुड नाइट। बाबू बोलो, बाबू कुछ भी, कुछ भी बेटा थोड़े बनाएंगे। देखो CH3 CH2 CH2 CH3 देखना भाई, इसका है ना ये फ्रंट कार्बन, ये रियर कार्बन, अश्विन भी चला गया ना, ये फ्रंट और पीछे वाला रियर। तो देखना भाई एथेन में क्या होता है, देखना भाई CH3 CH3 रख चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे रिपल्शन तो कुछ तो बढ़ेंगे, है ना। आपने जाना था यहाँ पर जब CH3 CH3 लग जाता था तो आपके रिपल्शन हो जाते थे यहाँ पर कितना, 3.4 किलो कैलोरी पर मोल का, 3.4 किलो कैलोरी पर मोल का रिपल्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता था। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में भी बदलाव आएंगे बेटा, कई चीजों में चेंजेस आएंगे यहाँ पे, तो समझना बातों को ध्यान से,
एन ब्यूटेन का मैं बताने जा रहा हूँ, और एन ब्यूटेन के बाद में सीधा तुम्हें क्या कराऊंगा, हैलोजन वाले बताऊंगा, वही है डायरेक्ट उसके बाद। तो एन ब्यूटेन का क्या होगा, एन ब्यूटेन का ऐसा ही होगा, स्टार्ट करेंगे यहाँ से CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन और पीछे वाला CH3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब देखो 60 डिग्री का भैया, ऐसा एक बात ध्यान रखें ना, जरूरी नहीं है यार कि पीछे वाला एक आगे वाला बॉन्ड भी घुमा सकते, किसी को भी स्वेच्छा से निस्वार्थ भाव से आप किसी को भी घुमा सकते हैं। मैं आदत मुझे इसी की पड़ी हुई, आगे वाले को स्टेबल रखने की, तो आगे वाले को स्टेबल रख दिया, पीछे वाले को घुमा दिया, CH3 हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा, उल्टा वाई करते रहना है बस 60 डिग्री। अब मैं पूरे नहीं बना रहा हूँ, पूरे आप बना लेना ठीक है, मैं ठीक 180 टेक बनाऊंगा, क्योंकि उसी की जरूरत होती है, उसके बाद ग्राफ भी वैसा ही होता है, देखना ठीक है। अब इसमें फिर से 60 डिग्री का रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, आगे वाले को तो ऐसे ही रखेंगे CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और पीछे फिर से हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर से 60 डिग्री का रोटेशन, और फिर से 60 डिग्री का रोटेशन होगा तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। पहला स्ट्रक्चर था, दूसरा था, तीसरा था और चौथा था। आपकी मर्जी हो तो आप 6 की 6 बना लो, आपकी मर्जी नहीं हो तो आप 4 पे छोड़ सकते हो। क्या थी ये फॉर्म, ये कहलाती है आपकी फुली इक्लिप्स्ड, ये कहलाती है आपकी, ठीक है ना, ये होती है आपकी पार्शियल इक्लिप्स्ड, और ये होती है आपकी एंटी पेरिपोलर। देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता देता हूँ आप लोगों को, इनमें क्या होता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर ध्यान रखना, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, क्योंकि बेटा यहाँ पे CH3 और CH3 दोनों बल्कि ग्रुप एक दूसरे के ठीक 180 पे है, अगर आपसे कोई चीज ठीक 180 पे चली जाती है तो वहाँ पे मिनिमम रिपल्शन होते हैं, 180 का मतलब ठीक उल्टा, और ठीक उल्टे का मतलब ये होगा कि मिनिमम रिपल्शन, तो यहाँ पर एंटी फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, और अगर एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर एंटी फॉर्म की एनर्जी सबसे कम होगी, इसीलिए एंटी फॉर्म की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। फिर आएगी देखना एंटी फॉर्म की, फिर क्या होगा एंटी के बाद आएगा आपकी गौची फॉर्म, गौची फॉर्म, और वो पैरागौची भी होता है, मेटा प्लस गौची भी होता है, माइनस गौची भी होता है, क्या है, क्योंकि सर ये स्टैगर्ड है, ये स्टैगर्ड है, ये वाली जो गौची फॉर्म है ये स्टैगर्ड है, एंटी में ठीक 180 था इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल, गौची में स्टैगर्ड है इसीलिए ज्यादा स्टेबल, उसके बाद जो फुली इक्लिप्स्ड और पार्शियल इक्लिप्स्ड हैं उसमें इक्लिप्स्ड हैं तो इसलिए वो अनस्टेबल होंगी, पर उन दोनों में से अगर बात करें तो उससे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, पैरा इक्लिप्स्ड, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगी फुली इक्लिप्स्ड। क्या बात समझ में आ गई आप, क्लियर है चीजें, निक्की चलेगी क्या, आप तो नहीं जा सकते भाई, देखो भाई देखो भाई देखो, अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बात करें, अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बात करें तो इसमें याद रखना है, इसमें ठीक आपको नीचे नहीं लाना है पूरा, क्योंकि देख लेना इसमें बेटा पहले वाले में क्या था, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, पहले वाले में देखना, पहले वाले में सारे ही हाइड्रोजन थे, सारे ही हाइड्रोजन थे, जो हमने एथेन पढ़ा था, तो एथेन में इसीलिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन का रिपल्शन कुछ भी नहीं होता है, अगर इक्लिप्स में होती है तो 1 किलो कैलोरी का रिपल्शन मिलता है, तो यहाँ पर क्या है कि सब लगभग एक जैसे हैं, यहाँ पे आपको दो ही टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, या तो इक्लिप्स दिख रहा है या तो स्टैगर दिख रहा है, इक्लिप्स और स्टैगर, यहाँ पर क्या है मेथड ऑफ ब्यूटेन में चीजें बदल जाती हैं बेटा, ब्यूटेन में बातें बदलती हैं, ये था ब्यूटेन में बातें बदल रही है, क्यों,
क्योंकि ये CS3 धीरे धीरे आगे आगे की तरफ बढ़ रहा है। इनमें अगर कंपेयर किया जा रहा है उसमें तो दो ही बातें थी, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स, दो बात एक बात करके हम चुप हो जा रहे थे। इसमें अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो एंटी की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, फिर गॉची की, फिर पैरा इक्लिप्स की, फिर फुली इक्लिप्स की। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में भी आपका अंतर आएगा, तो इस बात को ध्यान से समझना। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कैसे होगा, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में आपको क्या करना है, 60 6 × 12 6 × 18 चाहे तो यहाँ पे छोड़ दो, 18 6 24 30 36 36, मैं आधा बनाऊंगा, अब वही होगा आधे का बाद है। तो 60 डिग्री का रोटेशन करके क्या होगा, ऐसा कुछ ग्राफ दिया गया है, ऐसा ऐसा और फिर ऐसा और फिर आपको ऐसा दिया गया, ऐसा दिया गया और ऐसा कुछ ग्राफ दिया गया, शायद आपको दिख रहा होगा बुक में, बुक में दिया गया है ग्राफ, दिख रहा है, दिख रहा है भाई विनय, दिख रहा है तेरे को, हाँ वो तो होगी ना 180 के बाद, ठीक वैसा ही ग्राफ उल्टा रिपीट होता है उसको, तो बस आप इतना समझ लो 180 तक, आप इतना समझ लो। देख भाई विनय, समझ समझना इस बात को विनय, देख भाई ये एंटी फॉर्म है, इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा कम है। यहाँ पर जो एनर्जी है देख, यहाँ पर कौन सी वाली है, यहाँ पर आपकी कौन सी आ जाएगी, यहाँ पर आपकी आ जाएगी गॉची फॉर्म, 60 डिग्री घुमा के कौन सा फॉर्म आ रहा था, गॉची फॉर्म। इसीलिए एंटी एंटी के बाद दूसरे नंबर कम एनर्जी किसकी है, गॉची की, और गॉची के बाद कौन सा था, गॉची के बाद ये वाला था थर्ड, ये वाली कौन सा, पार्शियल इक्लिप्स, ये थोड़ा सा इससे ऊपर रहेगा, आप अगर इसको मिटा के ऐसा कर सकते हो, थोड़ा सा इससे ऐसा रहेगा, आप अगर प्रॉपर तरीके से बनाया जाए तो ये थोड़ा इससे यूं रहेगा, कि पार्शियल इक्लिप्स यहाँ पे और फिर यहाँ पर रहेगा आपका इक्लिप्स, फुली इक्लिप्स, बात समझ में आ गई, क्लियर है निकुनिया जी, समझ में आ गया, मतलब एनर्जी एनएमआर बेटा, काय को पढ़ रहे हो, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसीलिए होती है वो, स्पेक्ट्रोस्कोपी से यही तो बातें पता चलती हैं, समझे कि नहीं, बढ़िया बढ़िया, देखो भाई बढ़िया बढ़िया, CH2 देखना भाई, मैं यहाँ, हाँ बोलो, हाँ डाई हेलोजन, 1,2-डाई हेलोजन। अब हेलोजन में मैं आपको बता दूं कि सर अगर क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ और आयोडीन हुआ, इन तीन के लिए अलग होता है, ठीक, इन तीन के लिए अलग होता है, क्या अलग होता है, और फ्लोरीन के लिए अलग क्यों होता है, एक बात आपको मैं पहले बता दूं, क्लोरीन के लिए सर इसलिए अलग होता है, आपने सुना होगा, आपको पता है दुनिया में फ्लोरीन दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब ये सबसे ज्यादा लालची है, लालची, आपको कुछ बात में समझा दूं पहले, ये सबसे ज्यादा लालची है, सेल्फिश है, ठीक है। अब लालची है तो ये लालच कब दिखाता है, कि सर फ्लोरीन के सामने जुड़ा हुआ है CH2 CH3 और फ्लोरीन क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, जी सर ये लालच तो दिखाता है, बिल्कुल सत्य बात कही आप, पर इसके अलावा इसमें एक क्वालिटी भी होती है, कि फ्लोरीन अगर ऐसे से जुड़ गया जिसके पास कमी है, तो ये यहाँ पर क्या करता है, फ्लोरीन के पास, क्योंकि आप जानते हो हेलोजन फैमिली का है, तो तीन जोड़े लोन पेयर होंगे इसमें, 3 pairs of lone pair, 3 lone pair होंगे इसमें, है ना। अब देखो भाई तो ये क्या करेगा यहाँ पर, क्योंकि क्योंकि कार्बन, देखो क्या होता है, आपने देखा होगा बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये चलता है पीरियडिक टेबल में पूरा चार्ट, और ये सेकंड पीरियड चल रहा है, सेकंड पीरियड,
सेकंड पीरियड चल रहा है ये, बोरोन के बाद आता है कार्बन, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन, है ना। तो भैया सेकंड ये किसका आ रहा है, प्लीज माइक बंद कर दीजिए। सेकंड सेकंड पीरियड वालों की जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग होती है स्ट्रॉन्ग। सेकंड सेकंड पीरियड का मतलब ये हुआ कि आप भैया विवाह करने जा रहे हैं, छोटी हाइट के हैं तो छोटी हाइट वाली लड़की ढूंढेंगे, बड़ी हाइट के हैं तो बड़ी हाइट, लंबी लंबी हाइट की लड़की ढूंढेंगे या लड़का ढूंढेंगे, है ना। तो अपने जैसे एलिमेंट्स को आप खोजते हैं तो सेकंड पीरियड वालों का साइज एक जैसा होता है लगभग, तो ये क्या करते हैं आपस में अच्छी बॉन्डिंग करते हैं। और फ्लोरीन जैसे लालची आदमी को भी अपने सामने कोई गरीब सा अपनी फैमिली का यानी सेकंड पीरियड का दिख जाता है तो वो उसको इलेक्ट्रॉन दे भी देता है, यानी फ्लोरीन डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। भले ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता मगर ये देने की क्षमता भी रखता है, क्षमता भी रखता है। ऐसा मैंने क्यों बताया, इसका रीजन है, ये बात बताने का मेरा कारण है। ये बात बताने का कारण क्यों है, क्या है कि सर CH2 CH2 यहाँ पर X था, यहाँ पर X था, सेकंड CH2 कार्बन हो गया सेकंड पीरियड का, और जो हेलोजन्स हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आप जानते हैं कि सर क्लोरीन थर्ड पीरियड, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड, आयोडीन फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। तो क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन और इन कार्बन और इन तीनों में कोई क्या नहीं जमने वाली, बात नहीं जमने वाली, तो इनके बीच में एक सामान्य सा कॉमन सा कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर बनता है। वो कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है ध्यान से समझ लीजिए, कोई सा भी हेलोजन ले सकते हो आप। मैंने क्या कर दिया, ये लिया भैया का, ये लिया मैंने एक्स, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, और ये पीछे ले लिया इसके एक्स, ये हाइड्रोजन था और ये हाइड्रोजन, तीनों का एक ही है, हाँ ये तीनों का एक ही बात है, सबका अलग अलग लिखा हुआ है बुक में, बट मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ चीजें एक ही है। 60 डिग्री रोटेशन किया, एक को स्टेबल रख दिया, ये एक्स था, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, और ये एक्स है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। फिर आपने 60 डिग्री रोटेट किया, तो यहाँ पे आपने ये एक्स ऐसा ही रहेगा, हाइड्रोजन ऐसा, हाइड्रोजन ऐसा, यहाँ पे एक्स चला जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा। फिर 60 डिग्री घुमाया, तो यहाँ पर एक्स हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हो गया एक्स, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, मैं चार ही बना रहा हूँ, आप लोग देख लेना यार उसके आगे, है ना, सेम ही तो है, छह बना दूंगा, सॉरी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसका आपको वो नहीं दिया गया, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम नहीं दिया गया, क्योंकि हर कंपाउंड के नहीं देखने होते, मेन मेन के देखने होते, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम सबके याद नहीं रह सकते, है ना। तो देखो भाई अब क्या है, ये कौन सी फॉर्म है सर, ये फुली इक्लिप्स, ये कौन सी है, ये है गॉची फॉर्म, कौन सी पॉजिटिव गॉची फॉर्म, ये कौन सा है, ये पार्शियल इक्लिप्स, और ये कौन सी है, ये है सर एंटी। इसमें तो कॉमन सी बात है, स्टेबिलिटी की कंपेयर अगर हम लोग करते हैं, तो स्टेबिलिटी अगर मैं कंपेयर करूँ तो सर एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फिर आपकी क्या हो जाएगी, फिर आपकी वापस आ जाएगी गॉची फॉर्म, है ना, फिर आ जाएगा पार्शियल इक्लिप्स, फिर आ जाएगा फुली इक्लिप्स। आप लोग समझ चुके हैं क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि सर एंटी में 180 डिग्री का एंगल है तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। गॉची में क्या होगा, गॉची फॉर्म में क्योंकि स्टैगर्ड मॉलिक्यूल है तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। पार्शियल इक्लिप्स और फुली इक्लिप्स, तो इक्लिप्स तो मतलब एक के पीछे एक, अगर फुली इक्लिप्स है तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा तो स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, पार्शियल इक्लिप्स में क्या होगा थोड़ी सी एनर्जी कम होगी, फुली इक्लिप्स थे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, शायद आप कंपेयर कर पा रहे होंगे। तो बेटा फ्लोरीन के लिए एक अलग सी बात समझते हैं, फ्लोरीन के लिए मैं आपको थोड़ा सा अलग समझाता हूँ। फ्लोरीन के लिए क्या होता है, फ्लोरीन के वाले में लगता है गॉची इफेक्ट, और ये IIT जैम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट माना जाता था, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता था। IIT जैम मतलब IIT के क्वेश्चन, IIT के पेपर्स में आता था, इम्पोर्टेंट था। अब होता क्या है बेटा, होता ये है कि कॉमन बात तो चलती आ रही थी क्या सर, कि सर एंटी इज मोर स्टेबल देन गॉची फॉर्म देन पार्शियल इक्लिप्स देन फुली इक्लिप्स,
तो सर इसमें ऐसा क्या होने वाला है कि इसमें अंतर ये अलग से क्यों डिस्कस किया जा रहा है? ये अलग से इसलिए डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि अगर मैं इसकी स्टैगर्ड फॉर्म को डिस्कस मतलब इसका मैं क्या करूं, इसकी मैं दो फॉर्म्स को डिस्कस कर रहा हूं, एक गॉची फॉर्म, इसी को गॉची इफेक्ट बोलते हैं। गॉची फॉर्म क्या होती है? गॉची फॉर्म क्या होगा कि सर यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे फ्लोरीन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, और गॉच फॉर्म क्या होगी कि सर फ्लोरीन यहाँ पे आ जाए, यह हाइड्रोजन या हाइड्रोजन। पहला 60 डिग्री का रोटेशन होता है गॉच फॉर्म, है ना, गॉच फॉर्म। तो अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ये कैसा है। ये पीछे वाला उल्टा वाई है, यहाँ पर क्लोरीन था, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, फ्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पे गॉच इफेक्ट क्या है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना क्योंकि इसमें थोड़ा कंसेप्ट लगता है तो आप समझ सकते हैं। ये अगर मैं कंसेप्ट बताऊंगा थोड़ा आपको और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आपको मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। इतना ध्यान रखना कि इस फ्लोरीन के बॉन्ड से, इस फ्लोरीन के बॉन्ड से ठीक अगले वाले में जो एंटी बॉन्डिंग में है ये अपने इलेक्ट्रॉनों को देता है और ये निकलता है। अब फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है तो वो पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा। ध्यान से समझना क्या होगा कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को देता है कहाँ पे, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में नहीं डिस्कस कर रहा, छोड़ रहे एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे यह हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को देगा यहाँ पर। अब दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट होने वाला होगा, और डबल बॉन्ड क्रिएट होने वाला होगा तो ध्यान से समझिएगा, इस वाले कार्बन पे भी जब ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को बीचों बीच में दे जाएगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन को, जिसको मैं रेड को रेड से इंडिकेट कर रहा हूँ, इसने चार बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो पांचवें बॉन्ड से बचने के लिए ये क्या करता है, फ्लोरीन को उसके इलेक्ट्रॉनों के सहित बाहर निकाल देता है। ये प्रोसेस फ्लोरीन के केस में होती है, केवल केवल और केवल, जिसको बोलते हैं सिनर्जी। क्या बोला मैं भाई? मैंने कहा फ्लोरीन के केस में, फ्लोरीन के केस में होता है गॉच इफेक्ट। यानी फ्लोरीन क्या दिखाता है? फ्लोरीन दिखाता है आपका, फ्लोरीन दिखाता है आपको, इसको बोल सकते हो बैक बॉन्डिंग, या इसको कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, इसको कहा जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग। तो बेटा ऐसा है, यहाँ पे हो जाती है बैक बॉन्डिंग। गॉच इफेक्ट क्या होता है कि आपने गॉची फॉर्म, इसकी गॉच फॉर्म बनाई। अब गॉच फॉर्म में क्या होता है, गॉच फॉर्म में ये गॉच फॉर्म एक्चुअल में क्या है, कैसे दिख रही है गॉच फॉर्म? मैंने इसके न्यूमान को 100 हर्ट्ज में दिखाया है तुम्हें कि एक्चुअल में ये ऐसा है। तो होता क्या है कि फ्लोरीन के अगले बॉन्ड से ठीक 180 में जो होगा, तो यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर दे जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट होने वाला है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट होने वाला है। जब ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉनों को दे जाएगा तो ये निकलेगा एच पॉजिटिव की फॉर्म में, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनने वाला वाला है। तो अब देखना, ये हरा वाला मैं दिखा रहा हूँ, ये हरा वाला कार्बन जो मैं बना रहा हूँ, जब डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा तो कार्बन बनाता है चार बॉन्ड। तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन के साथ बॉन्ड, और चौथा ये बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, तो पांचवा बॉन्ड कार्बन नहीं बनाता। तो पांचवें बॉन्ड से बचने के लिए वो क्या करेगा, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड तोड़ेगा। अब बॉन्ड जब टूटेगा तो फ्लोरीन ज्यादा ताकतवर है भाई, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन अपने शेयर पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ लेकर निकल लेगा। तो यहाँ पर फ्लोरीन किस फॉर्म में बाहर होगा, फ्लोरीन होगा एफ नेगेटिव की फॉर्म में, और एच जाएगा एच पॉजिटिव की फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है देखना ध्यान से, यहाँ पर आपके पास कौन सी फॉर्म बनने वाली है, यहाँ पे कार्बन था, डबल बॉन्ड हो जाएगा कार्बन, इसके पास कार्बन के पास दो हाइड्रोजन रह जाएंगे इधर, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन रह जाएगा, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, और यहाँ पर रह जाएगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। गॉच फॉर्म हो जाती है एल्कीन में कन्वर्ट भाई, गॉच फॉर्म हो जाती है एल्कीन में कन्वर्ट, ठीक है। अब गॉच फॉर्म में चूंकि एफ, देखो मैंने तुम्हें बताया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, पॉजिटिव नहीं। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या है, मोर इलेक्ट्रो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो स्टेबल होता है ना। और
और एच तो आपने आज तक एच पॉजिटिव सुना ही हुआ है, एच पॉजिटिव भी अपने आप में स्टेबल है क्योंकि उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो है। आपने देखी हुई है कि या तो सर फुली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो या जीरो इलेक्ट्रॉन हो, तो हाइड्रोजन तो हर फॉर्म में स्टेबल है, तो ये भी स्टेबल। और यहाँ पे जो एल्किन बनती है ये भी स्टेबल। तो भैया हो क्या रहा है कि यहाँ पे कुल मिला के एफ नेगेटिव निकल रहा है, ये प्रोसीजर होता है। तो गॉज फॉर्म में ऐसी कुछ कहानी होती है, ठीक है ना। चर्चाएं किसकी हो रही है? देखो एंटी तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ही, चर्चाएं हो रही है गॉज की, है ना। अच्छा सॉरी सॉरी, चर्चाएं किसकी हो रही है? चर्चाएं हो रही है एंटी की और गॉची की, क्योंकि एंटी और गॉच में ही यहाँ पे लड़ाई चलती रहती है फ्लोरीन के केस में। अब फ्लोरीन के केस में गॉच फॉर्म में तो कुछ ऐसी कहानी तुम्हें नजर आई, अब एंटी फॉर्म में मैं समझाता हूँ कि एंटी फॉर्म में कैसी कहानी यहाँ पे देखने को मिलती है। अब एंटी फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो एंटी फॉर्म आपके सामने कैसी थी? एंटी फॉर्म हो गया सर यहाँ पे ये कार्बन था और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे देखना ये फ्लोरीन होगा, ये फ्लोरीन होगा, ये हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अगर मैं इसका स्टैगर्ड फॉर्म सॉरी इसका सोहर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट इसको करूं, है ना, सोहर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो सोहर्स फॉर्म को कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे। अब होगा क्या, वही चीजें होती है जो मैंने आपको पहले बताई कि भैया इस फ्लोरीन का बॉन्ड से ठीक 180 डिग्री में यहाँ पे भी फ्लोरीन है। अब ये फ्लोरीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्म में देगा और यहाँ से एफ नेगेटिव बाहर निकलेगा। अब निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सी, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर से एफ पॉजिटिव निकल रहा है और यहाँ से एफ नेगेटिव निकल रहा है। अब देखो, अब देखना यहाँ पर एंटी फॉर्म में कुछ ऐसा प्रोसीजर हो रहा है, ध्यान से समझना हाँ, ऐसा प्रोसेस हो रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे, एफ नेगेटिव तो बर्दाश्त काबिल है, एफ नेगेटिव क्या होता है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, तो एफ नेगेटिव को तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। मगर सर जैसे ही एफ पॉजिटिव बन रहा होता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी जो दुनिया में आज तक हमेशा इलेक्ट्रॉनों को खाया करता था उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी को दिखा रहा है ये पॉजिटिव चार्ज। यानी ये समझ लो कि अडानी के पास पैसे की कमी होना, अडानी अडानी आप ये समझ लो कि आपसे पैसे मांगने आया है, ये कुछ ऐसी बात हो जाएगी, समझ रहे हो। अडानी अंबानी आपसे पैसे मांगने आए हैं, कुछ ऐसी बात हो जाएगी, ये एफ पे पॉजिटिव आना। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जब पॉजिटिव चार्ज आता हो है तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा कभी नहीं निकलेगा। ये प्रोसीजर एंटी फॉर्म में हो रहा होता है, गॉची फॉर्म में देखो बन तो दोनों में ही एल्किन रही है पर एक में निकल रहा है एफ, एक में निकल रहा है एफ नेगेटिव, एफ नेगेटिव जो कि स्टेबल है, और एच पॉजिटिव तो दोनों ही स्टेबल है, और एक में निकल रहा है एफ पॉजिटिव। तो बेटा जी जब फ्लोरीन के बॉन्ड घुमाएंगे ना, तो फ्लोरीन के केस में, फ्लोरीन के केस में ध्यान रखना कि गॉची फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फिर आती है एंटी फॉर्म, फिर आती है पार्शियली इक्लिप्स्ड, फिर आती है फुली इक्लिप्स्ड। यहाँ पर चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं। तो ये रही यहाँ तक की कहानी, और आज तक की कहानी शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अरे आपको तो पढ़ाई देंगे क्यों विनय भाई, विनय जी के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, विनय के लिए। अबे तेरे कंधे पे बंदूक ना रखेंगे, अब तो दोस्त है भाई है तो अपना यार। समझ में आया पक्का?